welcome to my channel Pooja Style. How are you all? I hope you all are doing good. So guys, आज की वीडियो में मैं आपसे अपनी ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ एंड मैं आपको ज्वेलरी का रिव्यू भी देने वाली हूँ. मैंने आज जो ज्वेलरी रखा है इस वीडियो के लिए वो कुछ परचेज किया है मैंने फ्लिपकार्ट से एंड मैंने कुछ मीशो से भी परचेज किए हैं. इवन मैंने एक दो प्रोडक्ट्स अमेजोन से भी परचेज किए हैं. वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप इस टाइप की ज्वेलरी किस टाइप के आउटफिट के साथ चला सकते हो. प्लस मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इनकी अमाउंट कितनी है और आपको कितना पे करना पड़ेगा, कौन सा ब्रांड आपको चूज करना चाहिए, कौन सा ब्रांड अच्छा है ज्वेलरी ब्रांड. मैं आज आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ. बहुत सारे ज्वेलरी है, 7 to 8 पीसेस है, इतना भी नहीं है मैं नहीं बोल सकती क्योंकि अभी मैंने बहुत ही कम कलेक्शन किया है. सिर्फ दशहरा दिवाली फेस्टिव सीजन के लिए ही मेरे पास कलेक्शंस हैं. तो आप इनको अपने कलेक्शंस में जरूर ऐड कर सकते हैं. एंड आज की जो हॉल वीडियो होने वाली है वो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक ज्वेलरी हॉल होगी बेसिकली. सो अगर आप इस चैनल पर न्यू है, हाय आई एम मिस पूजा. मैं यहाँ पर स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल, हॉल वीडियोस और बहुत सारे पर्सनल हाइजीन वीडियोस भी बनाती हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. सो अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल बटन को जरूर ऑन कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में मेरे चैनल के हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. सो गाइज, विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर इज माई फर्स्ट ज्वेलरी. मैंने इसको बॉक्स में रखा है. ये जो ज्वेलरी है वो मीशो के तरफ से है. आपको इसके लिए बहुत ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है. ये आपको 80 रुपीज में मिलेगी. ये है सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी. ये एक नेक पीस है जिसको आप चेन की तरह पहन सकते हो एंड चेन के साथ आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा हैवी वर्क्ड यहाँ पर सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पीस भी मिल रही है. इनमें क्या क्या स्पेशलिटी है और इनके डिजाइन वगैरह के बारे में भी हम कुछ कुछ बातें करेंगे. सो फर्स्ट पीस है मेरे पास, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दो मोर बने हुए हैं प्लस यहाँ पर गणेश जी है. ये दिवाली दशहरा के लिए बहुत ही अच्छा वाला ऑप्शन है. एंड इसके नीचे तीन लड़ियां लगी हुई हैं जो कि आप देख सकते हो बैंगल्स वगैरह में आपने देखा होगा लगे रहते हैं. बहुत ही अच्छा पीस है. यहाँ पर एक पिलो बनाया गया जो कि मेरे को काफी पसंद आया. ये पिलो का डिजाइन आप देखो इतना लंबा, प्लस इसमें भी वर्क किया हुआ है फ्लावर का. मेरे को ये मतलब नेक पीस बहुत अच्छी लगी. एंड आप इसका एमआरपी देखो, सिर्फ 60 रुपीज. अगर आपको शिपिंग चार्ज पे नहीं करना है, आप ऑनलाइन डिलीवरी करा रहे हैं, अगर आपने सीओडी लिया है तो आपको ये 60 रुपीज से ज्यादा या फिर 80 रुपीज से ज्यादा पे करना पड़ेगा. 112 रुपीज या फिर 120 के अराउंड आपको पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की है, यूपीआई से की है, गूगल पे की है, तो आपको ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा. मतलब आपको शिपमेंट का जो अमाउंट होता है वो पे नहीं करना पड़ेगा. लुक एट द ज्वेलरी पीस, बहुत ही ब्यूटीफुल सी है. एंड चेन में आप देख सकते हो यहाँ पर छोटे छोटे बॉल्स लगे हुए हैं सिल्वर ऑक्सीडाइज जो कि घुंघरू की तरह है. आपने देखा होगा पायल वगैरह में जो घुंघरू होता है उस टाइप का है. एंड आपको ये इस तरह से अटैच करनी पड़ेगी. इसमें हुक दी गई है. अभी मैं आपको इसको वियर करके भी दिखाऊंगी. एंड गाइज, मेरे को ओवरऑल बहुत अच्छी लगी ये वाली ज्वेलरी पीस. एकदम क्लासी लुक देती है, प्लस जल्दी से वेयर भी हो गई. एक मिनट भी नहीं लगा, एक सेकेंड में मैंने इसको पहन लिया. देखो पीछे से मैंने इसको हुक लगा दिया एंड यू कैन सी. ये आप किस तरह से स्टाइल कर सकते हो. अगर आपके पास कोई लहंगा है, इस टाइप का जॉर्जेट लहंगा आपने लिया है, या फिर आपका कोई प्लेन साड़ी है, सैटन सिल्क साड़ी है, तो बस सिंपल सी प्लेन साड़ी पे बहुत अच्छा ये आपको लुक दे सकता है. अगर बहुत ज्यादा आपकी साड़ी में प्रिंटेड है, प्रिंट्स हैं, फ्लावर के प्रिंट है, देन डोंट वेयर इट, क्योंकि फिर इसका जो लुक है वो अच्छा नहीं आएगा. आपको इसको प्लेन के साथ ही वेयर करना है. जैसे मैंने जॉर्जेट लहंगा पहना है तो बहुत ही माइल्ड सा वर्क है. मतलब यू कैन सी द सीक्वेंस, बहुत ही पतले पतले सीक्वेंस है, हैवी सीक्वेंस नहीं है. तो इसके साथ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है. एंड बाय द वे, अगर आपको इस लहंगे का लिंक चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. इसको आपको सिलवाना पड़ेगा. ये क्रीवा की आउटफिट है. मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि आपने ज्वेलरी कौन सी पहनी है, आपने लिपस्टिक कौन सी लगाई है, प्लस आपने आउटफिट कहाँ से खरीदी है. तो क्रीवा.com से मैंने खरीदी है. 4,999 रुपीज की आपको ये लहंगा पड़ेगी, यानी 5,000 आपको पे करने पड़ेंगे. फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट ऑप्शन है. बहुत ही अच्छा वाला लहंगा है, प्लस ब्लू, नेवी ब्लू कलर आपको मिलता है एंड फुल बाह भी मिलती है. इसको आपने स्टिच करवाना है, ठीक है. सो गाइज,
यू कैन कॉमेंट मी कि आपको ये वाली ज्वेलरी पीस कैसी लगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेकलेस. अभी मैं इसको वेयर करके ही रखूंगी जब तक मैं दूसरा नेकलेस ट्राई नहीं करती हूँ. सो सेकेंड में है मेरे पास जावेरी पोल्स की तरफ से ये नेक पीस है, जो कि आपको पता है जावेरी पोल्स जो है वो बहुत टाइम से ज्वेलरी बनाते हैं और इनकी जो ज्वेलरी होती है उनकी रेंजेस काफी अच्छी होती है. एक तो ये थोड़ी सी मतलब ज्यादा प्राइसी तो होते हैं, जैसे 500, जैसे ये मैंने लिया है 400 कुछ रुपए में, 469 और 459 मैंने पे करा है. एंड इनकी जो स्ट्रक्चर होती है काफी अच्छी होती है, प्लस इन्होंने जो वर्क करा रहता है ना वो वन पीस वर्क होता है. ये देखो, ये बिल्कुल ब्राइडल टाइप की ज्वेलरी है, लेकिन आपको इसे चलाना होगा फेस्टिव सीजन के लिए. फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट ऑप्शन है. मैंने एक सैटन सिल्क साड़ी वेयर की थी, मैं आपको लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना. उसमें मैंने ये पहना था. ये बेसिकली चोकर सेट है. आपको यहाँ पर 5 राउंड राउंड बॉल्स टाइप के, फ्लावर टाइप के यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि चोकर है. प्लस आपने यहाँ पर मिलेगा, प्लस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नीचे छोटे छोटे व्हाइट पोल्स का काम है. बोलूं तो ये गोल्डन प्लस व्हाइट का मिक्सचर है, देख सकते हो आप, गोल्डन प्लस व्हाइट का मिक्सचर है. एंड इस तरह के आपको तागा, इस तरह के आपको थ्रेड में ये मिलती है, ठीक है. इसके लिए आपने कोई भी, बहुत ही अच्छा है थ्रेड में मिल रहा है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कुछ और मिलता है तो वो टूट जाता है, जो कि मैंने बहुत बार देखा है. तो अगर थ्रेड मिल रहा है तो काफी अच्छा है. यहाँ पर ये देख सकते हो इस टाइप की यहाँ पर रेड कलर की दी गई है, जिसको आप ऊपर नीचे करके इसको कम ज्यादा कर सकते हो. एंड ये चोकर है तो आपने पूरा अपना गला तक, यहाँ तक ही इसको वेयर करना है. इसके साथ आपको 2 इयररिंग्स भी मिलती है. लेट मी शो यू, बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है. मैं बोलूं मेरे ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे अच्छी, बोलूं तो सबसे अच्छी क्वालिटी वाइज भी जावेरी पोल्स बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं. इनके जितने भी ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स हैं मेरे को काफी पसंद आते हैं. मैं इस ब्रांड के साथ न्यू बिल्कुल भी नहीं हूं. मैंने जावेरी पोल्स का एक बार इयररिंग भी परचेस किया है, जो कि मेरे को काफी अमेजिंग लगा था. वो भी कुछ इसी टाइप का था, गोल्डन व्हाइट का मिक्सचर था. एंड लुक एट द इयररिंग्स, सो ब्यूटीफुल. मतलब जरूर से आपके कलेक्शन में ये पीस होना ही चाहिए. देख लो, बहुत ही सुंदर है, एलिगेंट है. आप इसको कोई भी फेस्टिव सीजन पे पहन सकते हो. आपको इसके लिए दिन नहीं देखना है कि दशहरा में पहन रहे हो आप या फिर दिवाली में पहन रहे हो. कोई भी फेस्टिव सीजन पे ये इजी से आप कैरी कर सकते हो. सो लेट मी शो यू. बहुत ही अच्छे से इयररिंग्स फिट हो जाती है. अगर आपकी थोड़ी सी कान की जो लो होती है, यू कैन सी आपको इस तरह का यहाँ पे मिलता है. बस आपने इसको अपने इयररिंग की तरह वेयर कर लेना है, ठीक है. बहुत इजीली ये पहन सकते हो आप. ठीक है, पीछे लगाने वाली जो कैप आती है जिससे हम इसको बंद करते हैं वो भी मिलती है. देखो कितने प्यारे से स्टड टाइप के लग रहा है ये. एंड यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल एलिगेंट वर्क है. व्हाइट प्लस गोल्डन का कॉम्बिनेशन आप किसी के साथ भी कैरी कर सकते हो. लेट मी शो यू द पीस, नेक पीस दिखाने दो. सो लेट मी रिमूव दिस वन. आई टोटली लव दिस प्रोडक्ट, आई टोटली लव दिस ज्वेलरी पीस. मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, दैट्स वाई मैंने ऑर्डर प्लेस किया. मेरा बजट भी नहीं था, 500 रुपया मतलब नहीं था मेरे पास. 500 बहुत ज्यादा होते हैं हम टीनेजर्स के लिए, एज यू ऑल नो. फिर भी मैंने पे करके इसको मंगाया, क्योंकि ज्वेलरी इतनी अच्छी थी तो मैं उसको मिस आउट नहीं करना चाहती थी. बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाता है. बाय द वे दिस इज फ्रॉम अमेजोन. मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने कहां से खरीदा था. सो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. आप पीछे से इसको ऊपर नीचे करके जैसा भी आप पहनना चाहते हो आप पहन सकते हो. इधर आप पीछे से एडजस्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया किस तरह से आपने एडजस्ट करना. यू कैन सी, बस इसको नाउ यू कैन सी. अब मैंने इस नेकलेस का पहले थोड़ा सा ये यहाँ पे हैवी लगता है, बट इट्स नाइस. टोटली लव दिस प्रोडक्ट. वाओ, मतलब आपको एक बार तो जरूर ये नेक पीस ट्राई करनी चाहिए. चोकर सेट है, थोड़ा सा आप ढीला भी कर सकते हो. ये आपको नेक पीस मिलती है जो कि बहुत सुंदर है. इसमें छोटे छोटे लटकन जैसे वर्क भी किए गए हैं, गोल्डन प्लस व्हाइट का कॉम्बिनेशन. मतलब आप किसी के साथ भी इसको चला सकते हो. जॉर्जेट साड़ी है, सैटन सिल्क साड़ी है, लेकिन सैटन सिल्क साड़ी के साथ बहुत सुंदर लगती है. इवन आपने कभी लहंगा पहना है नेवी ब्लू कलर का, जैसे मैंने पहना है, ब्लैक लहंगा पहना है, या फिर गोल्डन लहंगा पहना है, गोल्डन पे तो ये मतलब
क्या ऑसम लगने वाला है. लुक द पीस, लुक एट द पीस, वाओ. मतलब कौन नहीं लेना चाहेगा. यहाँ पर जो पांच आपको चोकर के इस तरह के गोल गोल मिल रहे हैं वो आपके पूरे नेक पे आ जाएगा एंड इस तरह से ये लटका रहेगा. सो अगर आप ब्राइड भी हो, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, छोटे मोटे फंक्शंस हैं, या फिर आप किसी की शादी पे जा रहे हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है. मतलब ये आपके पास होना चाहिए. एंड इयररिंग्स की बात तो निराली ही है. यू कैन सी बहुत ब्यूटीफुल सा पीस आपको जरूर लेना चाहिए. ठीक है. ऑप्शन है अगर आप पार्टी में किसी की पार्टी अटेंड करने जा रहे हो, आपकी खुद की कहीं पे आपकी रिश्तेदार में शादी है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है. आपको ये लेना चाहिए. मतलब मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी. एंड जावेरी पोल्स पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं. था प्राइस 400 के कुछ अराउंड ये पड़ रही थी, तो इट वॉज नॉट टू कॉस्ट इतना भी नहीं है. 500 अगर आप पे कर रहे हो इतनी ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है. थोड़ा सा अच्छे से इसको रखना. ठीक, देख रहे हो बहुत ही नाजुक है ये. यू कैन सी इस तरह से अटैच्ड है, तो थोड़ा सा इसको संभाल के कॉटन में रख सकते हो. कॉटन में आप रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फिर आपकी जो पर्ल्स है, जो स्टड्स लगी हुई है छोटे छोटे, ये जो झुमके टाइप के है, ये जो झुमके टाइप के है, वो आपके खराब नहीं होंगे. तो कॉटन का आप यूज कर सकते हो इसमें. ठीक है. Now, so, इस बार मेरे पास कोई नेक पीस नहीं है. दिस इज टू सेट्स ऑफ बैंगल्स, ये सिल्वर ऑक्सीडाइज बैंगल्स. मतलब आप इनको किसी के साथ भी पेयर अप कर सकते हो. इसकी MRP 119 rupees है. ये आपको मीशो पे इजिली मिल जाएगी. इवन मीशो पे आपको इस टाइप के बहुत सारे बैंगल्स देखने को मिल जाएंगे. एंड बहुत इजी टू वेयर है. फेस्टिव सीजन पे चला लो, या फिर सिंपल आप कहीं कॉलेज स्टूडेंट का तो नहीं बोल सकते, सॉरी, अगर आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस में ये आप कड़े पहन सकते हो. बहुत ब्यूटीफुल लगेगा. अगर कुर्ती वेयर की है, कॉटन कुर्ती है, जॉर्जेट कुर्ती है, हर किसी पे ये बहुत सुंदर लगेगा. सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड कड़े की एक खूबी होती है कि ये किसी भी कलर के साथ मैचअप हो जाती है. किसी भी कपड़े की क्वालिटी की बात करो तो कोई भी कपड़े की क्वालिटी, जॉर्जेट, कॉटन, सिल्क, रेयन, कुछ भी है, सबके साथ मैचअप हो जाएगा. एंड यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है. ये आपको कहीं भी फंसती नहीं है, जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी. इसकी खूबी देखो, इस तरह सुंदर है. यू कैन सी यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग वर्क है. यहाँ पे आप देख सकते हो जो अंदर वाली पार्ट होती है ना, वो भी काफी फिनिशिंग वर्क है. सो इसलिए मैंने ले लिया था कि मैं किसी के साथ भी इनको चला लूंगी. ठीक है. बात करें इसकी MRP की, तो बहुत कम है. ठीक है. सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड 199 rupees में अगर आपको बैंगल्स के दो कड़े मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है. आप इसको किसी के साथ भी पेयर अप कर सकते हो. दिस इज बेस्ट फॉर दशहरा, बेस्ट फॉर दशहरा. दिवाली पे आप इसको कैरी करो. बस आपने एक सिंपल सा आउटफिट डाल लिया है, उस पर चला लो. लेकिन टॉप वगैरह के साथ नहीं, टॉप या फिर वेस्टर्न वियर के साथ ही नहीं जाएगा. दिस इज फॉर ओनली ट्रेडिशनल इंडियन वियर. ठीक है. तो ये थी मेरी मीशो की परचेज, जो कि 199 rupees की है. इसके लिए ज्यादा पे नहीं करना पड़ रहा है. सो यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल एलिगेंट लुक है. मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकती गाइस, क्योंकि बैंगल्स के बारे में हम क्या ज्यादा बात कर सकते हैं. ओके. सो नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. ये मांग टीका है. मैंने एक ही मांग टीका खरीदा है, एंड जो खरीदा है ना, वाओ, इट्स सुपर. मतलब दुल्हन की शादी है, जीजू की शादी है, आपकी घर में सिस्टर की शादी है, बस ये वाला मांग टीका जरूर लेना. ये आपको फ्लिपकार्ट पे इजिली मिल जाएगा. इस तरह का आपको बहुत सारे डिजाइन भी देखने को मिल जाएगा. यू कैन सी यहाँ पर पीच कलर का थोड़ा सा वर्क है. मेरा एक लहंगा था जो कि पीच कलर का था, मैंने अपनी पड़ोसी वाले भैया की शादी में पहना था, दैट्स वाई मैंने ये परचेज किया था. एंड बाकी पूरा गोल्डन यहाँ पर आप देख सकते हो, गोल्डन का वर्क है. प्लस पोल्स भी जितने आप देख रहे हो गोल्डन का है. यहाँ पर एक आप देख सकते हो छोटा सा पोल है, जो कि बहुत ही एंटिक पीस लगता है एंड बहुत खूबसूरत है. आई
यू शुड डेफिनेटली बाय दिस टाइप ऑफ हैवी मांग टीका, क्योंकि आपने देखा होगा शादी वगैरह पे अब कोई उतना पतला मांग टीका नहीं पहनता है, सारी लड़कियां अभी इस टाइप के हैवी बेस्ड मांग टीका पहनती है, मतलब ये आपके पूरे फॉरहेड को कवर करती है, यू कैन सी। वो पतला वाला मांग टीका बस यहां तक रहता है, एंड ये पूरा चांद बाली, ये चांद बाली टाइप की ही है, चांद बाली बोल सकते हो, या फिर चांद इयररिंग्स आते हैं, चांद बाली इयररिंग्स आते हैं, चांद बाली मांग टीका आते हैं, तो ये चांद बाली मांग टीका टाइप ही है। इसमें आपको मिल जाएगा सिल्वर कलर मिल जाएगा, सिल्वर स्टोन्स वाले मिल जाएंगे, इवन गोल्डन में भी बहुत सारे वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ ग्रीन कलर में मिल जाएगा जहां पे ग्रीन ग्रीन पर्ल्स है, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक पर्ल है ग्रीन कलर का, सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये मांग टीका है। फेस्टिव सीजन के लिए बहुत अच्छा है, वेडिंग सीजन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप किसी गेस्ट, आप किसी के पार्टी में गेस्ट बन के जा रहे हो तो बस ये मांग टीका वेयर कर लो, ज्यादा कुछ वेयर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको दो क्लिप अटैच करनी पड़ेगी वरना ये बहुत ज्यादा लटकती है क्योंकि ये हैवी है, ठीक है। इसकी एमआरपी ओनली 132 रुपीज है, मेरे को सारी की एमआरपी अच्छे से पता है, दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ, एंड यू कैन सी बहुत खूबसूरत सा पीस है। मे बी आप इसको दशहरा पे कैरी कर लो, ये भी चल सकता है, क्योंकि इस टाइप के जितने भी गोल्डन कलर्स होते हैं हर आउटफिट के साथ जाएगा, जैसे मैंने अभी ब्लू कलर का लहंगा पहना है तो ये उस पर भी चल जाएगा, आपको इस टाइप के इयररिंग्स भी देखने को मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक इट आउट। नाउ नेक्स्ट ज्वेलरी पीस है मेरे पास, ये बहुत ही सुंदर एलिगेंट है, ये वेस्टर्न पीस है, मतलब वेस्टर्न आउटफिट के साथ, किसी भी आउटफिट के साथ आप इसको चला सकते हो। इसका जो नेम है वो है शीप शेल इयररिंग्स, आपने देखा होगा जो सागर में जो शेल्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं जिनके ऊपर एक शेल लगा होता है, वही है, तो ये रियल शेल से बने हुए। तो इसकी एमआरपी मैंने 265 रुपीज पे की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट 160 के अंदर भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये थोड़े से महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, मतलब कीड़ों को तब तक आप मार नहीं सकते, कीड़ों को आपको मारना नहीं है, वो खुद ही अपनी शेल को रिलीज करते हैं एंड नई सेल को शायद प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो अपने शेल को ठीक है वो उसको अलग कर देते हैं, दैट्स वाई ये जब बच जाती है, ये सीप जब समुद्र में बच जाती है तब इनका इयररिंग्स बना लिया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइड आपको यहाँ पे मोती मिलेगा एंड यहाँ पर एक मोती मिलेगा, जो कि दोनों साइड मिल जाएगा आपको। ये हुप इयररिंग्स है, बहुत ही प्यारा पीस है ये भी, मैं बोलूँ तो आई शुड वेयर दिस, किसी भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ आप इसको चला सकते हो। अगर आपने मिडी पहना है, शॉर्ट ड्रेसेस पहना है, बहुत खूबसूरत लगेगा, लहंगा वगैरह के साथ चला सकते हो, मगर उतना कुछ एलिगेंट इसका लुक नहीं आएगा। इसका जो लुक है वो इन्हांस होगा जब आप कोई वेस्टर्न वेयर पहनोगे, लॉन्ग मैक्सी ड्रेस पहनोगे, तो बहुत खूबसूरत सी ये आपको लुक दे सकती है, ठीक है। एंड बात करें ये कैसा है, तो ज्यादा हैवी है, ठीक है। अगर आप इसको पहली बार पहन रहे हो, फर्स्ट गाइज अगर आप इसको फर्स्ट टाइम पहनोगे तो आपको थोड़ी सी हैवी लग सकती है, जो कि मेरे को भी लगती थी, मगर आप जब इसको डेली यूज में लेने लगोगे तो ये यूज टू हो जाएगी, आपको ज्यादा पेन भी नहीं होगा, पेन भी नहीं करती। यू कैन सी मैं अपने फॉरहेड को भी हिला रही हूँ, एंड बहुत सुंदर हुप इयररिंग्स हैं जिनमें सेल सिप्स का काम है। आपको व्हाइट में भी मिल जाएगा जो इस तरह की होती है, थोड़े थोड़े इसमें स्ट्राइप्स होते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है, जिसमें आप पर्ल्स हैं, शीप है, बहुत खूबसूरत इस टाइप की इयररिंग्स मिल जाएंगी। ये मेरी मीसो की परचेस है, ओनली 260 रुपीज, ओके। यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल क्लासी लुक आ सकती है इससे। अगर आपने व्हाइट ड्रेस पहना है तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा, अगर आपने ब्लैक ड्रेस पहनी है उस पर भी बहुत खूबसूरत लगेगी। ये आपको 60 रुपीज में भी जनपथ नगर में या फिर सरोजनी नगर में मिल जाएगा, लेकिन हम वहां की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं जो कि हमने ऑनलाइन परचेस किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज्वेलरी पीस। ये जो ज्वेलरी पीस है
अगेन बहुत ही खूबसूरत है, ये मेरी फ्लिपकार्ट की परचेस है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 170 रुपीज के अंदर मिल जाएगी, मे बी 120। अभी मेरे को इसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है, लेकिन आपको सारे ज्वेलरी पीस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। एंड वीडियो पसंद आ रही है तो मस्त वाला लाइक चिपका देना। इसके साथ आपको ये भी मिलती है, इयररिंग प्लस ये कॉम्बो है, सेट है, आपको ज्वेलरी प्लस इयररिंग दोनों साथ में ही मिलती है। लुक एट द पीस, सो ब्यूटीफुल है। आपने बनारसी सिल्क साड़ी पहनी है उसके साथ बहुत खूबसूरत ये जचेगा, क्योंकि व्हाइट पर्ल्स का काम है एंड थोड़ा सा आप यहाँ देख सकते हो गोल्डन का भी काम है। ये बिल्कुल आप देख सकते हो, ये दोनों जो ज्वेलरी पीस थी एक जैसी ही है, लेकिन थोड़ी सी अलग है, इनकी जो डिजाइन है वो अलग है, ठीक है। प्लस दोनों चोकर ही है, चोकर सेट है ये। एंड आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल सा वर्क है, 1, 2, 3, 4 टाइप के आपको यहाँ पर इस टाइप के डिजाइन्स मिलते हैं, जिनमें 3 पेटल्स या फिर लीव्स बना हुआ है, उसके नीचे भी गोल गोल मोतियों का वर्क है, पूरा ही मोती का वर्क है इस पे। एंड यहाँ पर जब आप इसको पहनोगे ये वाला यहाँ पर आएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। ये आपको इस तरह से करना पड़ेगा, यू कैन एडजस्ट इट, सो लेट मी। यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल एलिगेंट लुक आ रही है, इस लहंगा के साथ बहुत ही ज्यादा मैचअप हो गई होगी। अगर आपके पास नेवी ब्लू साड़ी है, जॉर्जेट साड़ी है, ब्लैक जॉर्जेट साड़ी, बहुत खूबसूरत लगेगी। एंड इसकी इयररिंग का बात करूं तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर आपने सिर्फ ज्वेलरी पहनना है आप ज्वेलरी पहन सकते हो, अगर आपने सिर्फ इसको कैरी करना है, इयररिंग्स को कैरी करना है, यू कैन डेफिनेटली कैरी, आपके हिसाब से है, या फिर कोई और इयररिंग भी पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो। कमेंट में ये आपको कैसा लगा, ये मेरे को फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको लिया था थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा था कि मेरे गले पे ज्यादा अटैच्ड हो गया, कुछ ज्यादा ही ऐसे ही मतलब गला दब गया है मेरा, क्योंकि मेरे को चोकर सेट पहनने की आदत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, सो देख के बताना कैसा है। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज्वेलरी पीस, ये है मेरे पास रिंग, ठीक है, मेरे पास दो रिंग है बेसिकली, बात करूं तो दो रिंग है इस टाइप के, आपको फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, दोनों पे आप चेक कर सकते हो, लेकिन ये मेरी मीशो की परचेस है, ये वाली मेरी फ्लिपकार्ट की परचेस है। ये थोड़ी सी हैवी है, यू कैन सी बहुत ही प्यारा सा पीस है ये, बहुत ही सुंदर एलिगेंट है। जो कवच होता है, जैसे कोई फाइट होती है तो पहले जमाने में किस तरह से इस तरह से ढक के वॉर को झेला जाता था, स्वॉर्ड रहता था इस टाइप का, तो उस टाइप का है। सो आप इसको किसी भी फिंगर में पहन सकते हो, मैं इसको इसमें पहनती हूँ। एंड यू कैन सी इस वाले लहंगा के साथ बहुत खूबसूरत लगेगा, आप कोई भी साड़ी पहन रहे हो, किसी भी आउटफिट के साथ चला सकते हो, इवन आप कुर्ती में भी चला सकते हो, अगर आप इसको चलाना चाहो तो आप जीन्स के साथ भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई हैवी ज्वेलरी पीस नहीं है, हैवी इयररिंग नहीं है कि आप नहीं पहन सकते हो, मैं तो इसको हर वीडियो में यूज करती हूँ। एंड बात करें इसकी पैटर्न की तो बहुत खूबसूरत एलिगेंट है, ज्यादा वर्क नहीं है लेकिन जितना भी है सिंपल है। देन नेक्स्ट जो मेरे पास रिंग है, ये है गोल्डन रिंग, आप देख सकते हो इसमें सारा में फ्लावर का काम किया हुआ है, थोड़ा सा लिटिल बिट ग्रीन आपको देखने को मिलेगा बीच बीच में, इसमें भी नग का वर्क है। आप इसको किसी भी रिंग में पहन सकते हो, किसी भी फिंगर रिंग में पहन सकते हो, मैं ज्यादातर हर रिंग इसी में पहनती हूँ। सो ये दोनों कॉम्बो ही आई थी, मतलब कॉम्बो क्या, मैंने अलग अलग परचेस किया, एक फ्लिपकार्ट की परचेस है ये वाली, प्लस ये मीशो की परचेस। मेरी सबसे फेवरेट इयररिंग की बात करते हैं, ये मेरी सबसे फेवरेट इयररिंग है, ये आपको मीशो पे भी मिल जाएगी, ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, इजिली अवेलेबल है, अमेजोन पे भी मिल जाएगी, बहुत ही ज्यादा क्रेज में यह है इयरिंग। यह है सिल्वर ऑक्सीडाइज टेम्पल झुमका इयरिंग, इसमें राधे कृष्णा भी लिखा हुआ है, राधे कृष्ण लिखा हुआ है, एंड यू कैन सी टेम्पल जैसा होता है, थोड़ा सा ताजमहल का भी लुक देता है, लेकिन ये टेम्पल है। नीचे में आपको छोटे छोटे व्हाइट पोल्स का काम मिल जाएगा, प्लस आपको इसके साथ इस तरह की एक स्ट्रिंग मिलती है जो कि अटैच्ड है, इसमें भी व्हाइट पर्ल्स का काम है, बहुत ही खूबसूरत सा पीस है। मैं आपको उसको वियर करके दिखाती हूँ, मतलब रहा नहीं जा रहा है, मेरे को अभी वियर करना है इसको। आप किसी भी जॉर्जेट वाले लहंगा के साथ चला सकते हो, किसी भी
इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ भी इसको मैचअप कर सकते हो। ये कुछ इस तरह की दिखती है, बहुत ही सुंदर ऑसम डिजाइन है, हैवी पीस है। आप जब इसको वेयर करोगे तो थोड़ा सा आपको हैवी लग सकता है, क्योंकि अगर आप न्यू पहन रहे हो, अगर आपकी इयररिंग थोड़ी सी मतलब अगर आपके ईयर की जो बोलते हैं छेद जो है वो थोड़ी सी कम है, तो आप इसको ऐसे भी पहन लोगे तो ये गिरेगा नहीं। लेकिन मैं आपको बोलूंगी ऐसे मत पहनना, इसमें आपको पीछे भी मिलता है इस तरह से बंद करने के लिए, कैप मिला है आपको, आप कैप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस आप इसको इस तरह से पीछे से लगा दो, एंड ये लटकन है, इसको आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। ये आपको अटैच ही मिलती है, मैंने सोचा कि मैं इसको निकाल दूंगी लेकिन ये निकलती नहीं है। बहुत ही सुंदर लुक, बहुत सुंदर लुक। वैसे मैं इस टाइप के कभी भी इयररिंग्स पहनती नहीं हूँ जिसमें इस टाइप की स्ट्रिंग लगी होती है, बहुत ही ओल्ड फैशन लगता है। लेकिन इस वाले सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड टेम्पल झुमका के साथ ये बात नहीं है, ये बिल्कुल क्लासी इंडियन फेस्टिव सीजन के लिए मस्त वाला कॉम्बिनेशन है। इसके साथ आप कोई भी ज्वेलरी अटैच करके पहन सकते हो, जैसे मैंने इसके साथ ये लिया था, ये दोनों मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, ठीक है। ठीक है, ये इयररिंग्स मेरे को 160 रुपीस के अंदर पड़ी है, लेकिन कभी कभी इनका प्राइस डाउन हो जाता है, कभी इनका प्राइस ऊपर भी चला जाता है, सो आपको चेक करते रहना होगा। सो इसको आप किसी भी आउटफिट के साथ चला सकते हो। मेरी जो कलेक्शन है उनमें मेरे को दो चीजें बहुत खूबसूरत लगी, एक तो ये वाली नेक पीस मेरी फेवरेट है, जिसको मैं हर लहंगा के साथ चला सकती हूँ, इवन मैं हर इसको साड़ी के साथ मैचअप करके पहन सकती हूँ। इसमें आपको इयररिंग्स भी मिलता है, एंड ये वाला कॉम्बिनेशन आप किसी भी सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ कैरी कर सकते हो। इसके साथ मैंने पहनने के लिए लहंगा पे इसी लहंगा पे ये मंगवाया था, प्लस वो वाली ज्वेलरी। सो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। ये थी मेरी कुछ परचेज जो कि मैंने मीशो फ्लिपकार्ट अमेजोन से की है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड इसी तरह से प्यार बनाए रखना। सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जरूरी है सब्सक्रिप्शन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हॉल के साथ। टिल देन लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय, लव यू।